हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1। हम लोग देख रहे हैं 3-inch पैराबोलिक आर्चेस। तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज इंपॉर्टेंट देख सकते हो, यहाँ पर हमें नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर फोर्स भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी मार्क्स में आते हैं, 10 मार्क्स के लिए वो भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमें किस तरीके से दिया है देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ए 3-inch सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्च इज लोडेड एज शोन। कैलकुलेट, पहला चीज बोला है सपोर्ट रिएक्शन, सेकंड चीज बोला है बेंडिंग मोमेंट एट ए सी एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी सी, दोनों साइड में कैलकुलेट करके बताना है हमें, और थर्ड बोला है नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर फोर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, थर्ड पॉइंट का है इस क्वेश्चन में। चलिए सोल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा इसमें होता है रिएक्शन फाइंड करना। तो यहाँ पर रिएक्शन एट बी लगेगा, यहाँ पर रिएक्शन एट ए लगेगा, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लगता है वो हमेशा इनवर्ड होना चाहिए, जो कि होगा कैपिटल एच। ये होगा आर बी और ये आर ए। ठीक है, इस तरीके से आगे हमें रिएक्शन फाइंड करना है। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो, क्लॉकवाइज जाने वालों को पॉजिटिव। तो चलिए आर बी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए माइनस आर बी, माइनस आर बी का डिस्टेंस फ्रॉम ए है 24 मीटर, 24। फिर आता है यूडीएल, यूडीएल नीचे जा रहा है इसलिए प्लस यूडीएल, यूडीएल का लोड कितना है 20, और यूडीएल का डिस्टेंस कैसे आएगा, यूडीएल हाफ में दिया है, मतलब 24 का हाफ हो जाएगा 12, तो 20 × 12 पे एक्ट करेगा यूडीएल का पॉइंट लोड, लेकिन डिस्टेंस कहाँ पर आता है L/2 पे, तो L कितना है 12, और इस 12/2 को हो जाएगा 6, तो यहीं पर हम लोग ने इसको 6 लिख दिया, नहीं तो आप L/2 लिखेंगे, मतलब 12/2 लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें आर भी मिल जाएगा, माइनस एक्स इंटू 24 प्लस 20 × 12 × 6 इक्वल्स टू 0, आर भी मिलेगा जो कि है 60, आर भी इक्वल्स टू 60 किलो न्यूटन। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, तो आर बी और आर ए दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आर ए लिखता हूँ, प्लस आर ए है और आर बी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं आर बी की वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा जो कि 60, और यूडीएल नीचे आएगा इसलिए माइनस का यूडीएल, लेकिन यूडीएल का लोड कितना होगा 20 × यूडीएल का डिस्टेंस 24 का हाफ मतलब 12, और इक्वल्स टू 0 करेंगे, यहाँ से हमें आर ए मिल जाएगा, आर ए प्लस 60 माइनस 20 × 12 इक्वल्स टू 0 जो कि है 180, आर ए इक्वल्स टू 180 किलो न्यूटन। ठीक है, आर ए मिल गया, आर बी मिल गया, अभी हमें एच फाइंड करना है। तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी लेना है, ये तो कंफर्म है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी लेना है, ये तो कंफर्म है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है हम लोग राइट साइड सॉल्व करें या लेफ्ट साइड सॉल्व करें। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट साइड के लिए आपको आर ए एच और ये यूडीएल लगाना पड़ेगा, और राइट साइड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक ही दो ही लोड है जो कि आर बी और एच, इसलिए हम लोग राइट साइड लेंगे। बेंडिंग मोमेंट का तो साइन कन्वेंशन आपको पता ही होगा, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव और सेक्शन के नीचे आने वाले नेगेटिव। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन होता है हमारा ये। तो यहाँ पर आर बी ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस आर बी, लेकिन आर बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी कितना 24 का हाफ जो कि हो जाएगा 12। ठीक है, अभी इस एच की तरफ देखते हैं। देखिए ये आर्च अगर मैं खोल दूंगा तो इस तरीके से होगा, एच यहाँ पर एक्ट कर रहा है मतलब इसको डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो डाउनवर्ड जाने वाले को नेगेटिव होता है, तो माइनस एच, और एच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 5 मीटर इक्वल टू 0। यहाँ से मैं आर बी की वैल्यू डाल दूंगा, आर बी क्या है 60 × 12 माइनस एच इंटू 5 इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे एच मिल जाएगा 60 × 12 माइनस एक्स इंटू 5 इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे एच मिल गया जो कि है 144। ठीक है, किलो न्यूटन यहाँ पर है पर मैंने लिखा है तो बाहर लिख देता हूँ किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन आ गए, मतलब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, जो हमें फर्स्ट कैलकुलेट करने को बोला था वो कंप्लीटेड। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, बेंडिंग मोमेंट एट ए सी
एंड बेंडिंग मोमेंट एट बीसी कैलकुलेट करना है, दोनों भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए सी, ठीक है ए सी। तो उसके लिए ए सी का डायग्राम मुझे रिड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ पर लोड लग रहा है आर ए, आर ए कितना है, आर ए की वैल्यू में लिख दूंगा 180। यहाँ पर लोड लग रहा है एच, एच है 144। यहाँ पर यूडीएल भी है, यूडीएल का लोड है 20, ठीक है। और ये सेक्शन होता है हमारा, ये सेक्शन होता है एक्स एक्स, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ये होता है वाई, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है एक्स, फ्रॉम सेक्शन एक्स टू सपोर्ट ये डिस्टेंस होता है एक्स। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। अभी हमें क्या करना पड़ता है, मोमेंट अबाउट एक्स लेना होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें मोमेंट लेना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 180 ऊपर जा रहा है, मोमेंट का साइन कन्वेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 180 ऊपर जा रहा है मतलब प्लस 180, 180 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एक्स, तो 180 इंटू एक्स। फिर आते हैं इस यूडीएल की तरफ, यूडीएल नीचे जाएगा इसलिए माइनस का यूडीएल है। यूडीएल का लोड कितना है 20, लेकिन एक्स कहाँ पर करेगा पॉइंट लोड एट डिस्टेंस एक्स, एक्स हमें मालूम नहीं है। तो ये हो गया पॉइंट लोड 20 इंटू एक्स, लेकिन यूडीएल एक्ट कहाँ पर करता है एक्स बाई टू पे, तो इस तरीके से। ये वाला जो कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, अगर मैं इस आर्च को खोल दूं तो ये इस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसको नीचे पुश कर रहा है। नीचे पुश करने के कारण यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ -144 आएगा, लेकिन इस -144 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई, इसलिए -144 इंटू वाई। तो इसको मैं थोड़ा रीराइट करता हूँ, यहाँ पर 180 इंटू एक्स -20 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और -144 इंटू वाई, ठीक है ये हो गया। लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास वाई का एक फॉर्मूला होता है, वाई इक्वल्स टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। ये वाई का हमारे पास फॉर्मूला होता है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जो कि पैराबोलिक आर्च का है। तो चलिए ये y को इस इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस, ये इक्वल्स टू है 180 x हो जाएगा। और ये अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 20 है, तो फिर ये 10x² हो जाएगा बराबर। और यहाँ पर -144 चलते आ रहा है, और इस y की जगह पर मेरे को ये पूरा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है जो कि है 4hx अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास L मालूम है और H मालूम है, तो वो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें 180x 10x² ये सब पहले से चलते आ रहे हैं, -144 भी पहले से चलते आ रहे हैं। ऊपर आ रहा है 4 इंटू एच, एच क्या होता है राइस, राइस कितना है 5 मीटर, तो 5 और इंटू एक्स वैसे ही है। L, L क्या होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ पैन जो कि है 24 मीटर, तो ये 24 का स्क्वायर, और यहाँ पर वापस आएगा 24 माइनस एक्स, ये एक्स हमें मालूम नहीं है, ठीक है। इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180x माइनस 10x² तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये -144 वैसे ही है, ब्रैकेट में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 4 इंटू 5 अपॉन 24 का स्क्वायर ये होता है 0.03472x, और यहाँ पर है 24 माइनस एक्स, इस तरीके से। अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें 180x माइनस 10x² माइनस, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -144 मल्टीप्लाई में होगा 0.03472, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर 24 भी है, 24 ये इक्वल्स टू हो जाएगा -119.99, मतलब हम लोग लिख सकते हैं -120, है ना,
119.99 है, मतलब हम लोग इसको 120 लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक x चलते आ रहा है, तो ये 120 माइनस 120 x हो गया। अभी वापस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -144 मल्टीप्लाई बाय 0.03472, और ये x है, तो यहाँ पर देखिए 4.99, और ये माइनस है, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5x2। ठीक है, इस तरीके से आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कर लेना, आपको ये इक्वेशन इस तरीके से मिलेगा। अभी हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, ये हमारा मोमेंट अबाउट एक्स इक्वल्स टू के पहले चलते आ रहा है। तो एक और चीज आपको मैंने बताया था कि अगर हमें बेंडिंग मोमेंट लेना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है एम एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है जो कि इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस 180 का डेरिवेटिव हो जाएगा 180, एक्स का डेरिवेटिव 180, और ये -10x2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 10 × 2x, और ये -120x का हो जाएगा -120, और ये +5x2 का हो जाएगा 5 × 2x। ठीक है, यहाँ से मुझे x मिलेगा। चलिए हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करते, देखिए इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से मुझे x मिलेगा 180 -10 × 2x -120 +5 × 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलती है जो कि है 6, x इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 6 इस इक्वेशन में पुट करना है, मोमेंट अबाउट x इक्वेशन में। देखिए यहाँ से इक्वल टू से पहले मोमेंट अबाउट x चलते आ रहा है, तो फिर ये x इक्वल्स टू 6 इस मोमेंट अबाउट x के इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये वाली इक्वेशन में 180 और x की जगह पर 6 पुट करना है, फिर -10x2 मतलब 6 का स्क्वायर, फिर आ रहा है -120 इंटू एक्स है मतलब इंटू 6, फिर आ रहा है +5x2 है मतलब इंटू 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू करो। देखिए आपको मोमेंट अबाउट एक्स का आंसर मिलता है 180 किलो न्यूटन मीटर। ये है आंसर मोमेंट अबाउट एक्स फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एसी। ठीक है ना, एसी। अभी तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, बेंडिंग मोमेंट एट एसी कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हमें बेंडिंग मोमेंट एट बीसी भी निकालना है, तो चलिए फटाफट करते हैं, इसमें टाइम बहुत जा रहा है। तो बीसी के लिए हमें क्या करना है, बी हमारा यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो हमें इसका राइट साइड कंसिडर करना है। तो इस राइट साइड को मैं रीड्रॉ करूंगा, यहाँ पर लग रहा है आर बी, यहाँ पर लग रहा है एच, लेकिन मैं आर बी की वैल्यू रख देता हूँ जो कि है 60, एच की वैल्यू है 144। ठीक है, और यूडीएल इस साइड नहीं है, ये होता है हमारा सेक्शन एक्स एक्स, इस वर्टिकल डिस्टेंस को कहते हैं वाई, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं एक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन एक्स एक्स एंड सपोर्ट होता है एक्स। यहाँ तक कंप्लीट। अब सेम केस इसके लिए भी हमको मोमेंट अबाउट एक्स लेना पड़ेगा, मोमेंट अबाउट एक्स मतलब इस पॉइंट पे मोमेंट लेना है। तो ये साइन कन्वेंशन यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर जा रहा है मतलब 60 ऊपर जा रहा है, और 60 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स, तो 60 × x, और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इस आर्च को अगर मैं खोल दूँ, हॉरिजॉन्टल लोड यहाँ पर रख रहा है, तो आर्च को नीचे धकेलेगा, नीचे जाने वाला माइनस मतलब -144, और 144 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई, तो (×y). तो चलिए इस वाई की जगह पर ये फॉर्मूला सब्सिट्यूट कर दो, तो मोमेंट अबाउट एक्स इक्वल्स टू 60x। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर -144 × y, -144 × y हम लोग ने पहले इसको सब्सटीट्यूट किया था, यहाँ पर हमने वाई वाई के फॉर्मूले में एच और एल भी पुट किया, उसके बाद इसको सॉल्व भी किया, तो हमारा ये जो देखिए इसको मैं छुपा देता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा, -144, और ये ब्रैकेट हमने पूरा सॉल्व किया था, तब हमें इसकी वैल्यू आई थी -120x और +5x2। तो फिर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ जो कि है -120x +5x2। ठीक है, समझ में आपको क्या किया, इस y की जगह पर ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करना है जो कि इस तरीके से होगा। ठीक है, -144 के बाद ये फॉर्मूला में हमको h और l की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने पहले पुट की थी, फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व किया था इस -144 के साथ में, तो फिर हमारे पास दो वैल्यू आई थी, -120x और +5x2। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी।
वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले से ये मालूम है। तो चलिए मोमेंट अबाउट एक्स आ गया हमारे पास। अब क्या करना पड़ता है, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है मोमेंट अबाउट एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये 60 60x का डेरिवेटिव हो जाएगा 60, और इस -120 हो जाएगा एक्स का, और यहाँ पर 5x² का हो जाएगा 5 × 2x। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, इसको इक्वल्स टू 0 कर दो और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 60 − 120 +5 × 2x = 0। यहाँ से एक्स मिलेगा, देखिए एक्स इक्वल्स टू 6 आपको मिला। ये एक्स इक्वल्स टू 6 इस मोमेंट अबाउट एक्स के फॉर्मूले में, मोमेंट अबाउट एक्स के इक्वेशन में पुट करना है, जो कि है 60 × x मतलब 6 −120x मतलब 6 +5x² मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, 60 × x −120 × 6 +5x² है मतलब 5 × 6² इक्वल्स टू −180। तो यहाँ पर हमें मोमेंट अबाउट एक्स इक्वल्स टू आता है −180 kN। ये क्या है हमारा बेंडिंग मोमेंट एट बी सी। ठीक है ना, ये वाला बी सी। तो ए सी कंप्लीट हो गया, बी सी कंप्लीट हो गया। देखिए ए सी हमें आया था पॉजिटिव में 180 और हमें बी सी आया नेगेटिव में 180। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट, सपोर्ट रिएक्शन था पहला पार्ट, सेकंड पार्ट था बेंडिंग मोमेंट एट ए सी एंड बी सी, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अभी चलिए मेन पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमारा थर्ड पार्ट था जिसके लिए ये क्वेश्चन हमने उठाया था, जो कि हमें बोला था नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर फोर्स एट डी। पॉइंट डी देख सकते हैं कहाँ पर है, हमें क्वेश्चन में सेक्शन गिवन है पॉइंट डी का, तो उतना डायग्राम पहले बना लो इस तरीके से। ठीक है, उतना डायग्राम हमने बना लिया और उतना यूडीएल भी ऊपर आएगा पॉइंट डी तक का। ये पॉइंट डी का सेक्शन इस तरीके से है। ठीक है, यहां तक क्लियर। यहाँ पर लग रहा है रिएक्शन आर ए है ना, आर ए, आर ए की वैल्यू कितनी है 180। यहाँ पर लग रहा है एच जो कि है 144। इतना क्लियर। यूडीएल का लोड भी है 20 kN वगैरह सब आप समझ लेना, यहाँ पर मुझे जगह कम है इसलिए मुझे आपको कम से कम जगह में समझाना है। तो चलिए आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए थोड़ा ज्यादा, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर फोर्स क्या होता है। अगर हम इसका नॉर्मल लाइन बना दे इस तरीके से, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो एक्ट करता है वो होता है नॉर्मल थ्रस्ट, नॉर्मल थ्रस्ट, और इस डायरेक्शन में जो एक्ट करता है इसे कहते हैं रेडियल शेयर फोर्स। तो ये नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर फोर्स क्या होता है, आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हो, इसका थ्योरी पार्ट यहाँ पर गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। रेडियल शेयर होता है सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, और नॉर्मल थ्रस्ट होता है सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा वो होगा एच, और यहाँ पर एक वर्टिकल लोड लगेगा, वर्टिकल लोड जो कि डाउनवर्ड होगा उसे हम V का नाम दे देते हैं। तो अभी हमें इस H और V की वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगी, वो लाने के लिए हमें समेशन FY = 0 लेना पड़ेगा। ऊपर जाने वाला पॉजिटिव मतलब 180 ऊपर जा रहा है इसलिए 180 ऊपर, और नीचे क्या आ रहा है माइनस V नीचे आ रहा है इसलिए माइनस V, और ये 20 भी नीचे आ रहा है तो −20। लेकिन 20 का डिस्टेंस कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास सेक्शन का डिस्टेंस दिया है जो कि है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस दिया है 5 मीटर। ये तो यूडीएल का पॉइंट लोड हो जाएगा 20 × 5 = 0। तो यहाँ से हमें वी मिल जाएगा 180 − V − 20 × 5 = 0 करने से हमें वी मिल जाएगा जो कि है 80। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर V की जगह पर 80 लिख देता हूँ। अभी हमें H चाहिए, H लेने के लिए हम लोग समेशन FX = 0 लगाएंगे। तो
ये हमारे पास एक ही अननोन है जो कि है एच, तो फिर ये भी 144 ही आएगा, क्योंकि 144 प्लस में है और ये एच माइनस में है, तो यहाँ से अगर इसको जीरो कर दूंगा तो एच आ जाएगा मुझे 144, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें ये चाहिए था और ये चाहिए था, हमारे पास वी आ गया और एच आ गया। अभी ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा रिड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये जा रहा है हमारा वी जो कि है 80, और ये जो 144 है इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये है 144 जो कि हमारा एच, और जो रेडियल शेयर लग रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, मैं इसको आर एस लिखता हूँ, मतलब समझ जाइए रेडियल शेयर है, और ये नॉर्मल थ्रस्ट अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूँ तो ये हमारा है नॉर्मल थ्रस्ट, एनटी लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाइए नॉर्मल थ्रस्ट। देखिए ध्यान से, अभी मुझे एक एंगल चाहिए जो कि है नॉर्मल थ्रस्ट के साथ जो वी का एंगल बना रहा है, और जो रेडियल शेयर के साथ नहीं है, एच है और ये वी है ना, ये थीटा चाहिए मुझे। तो ये थीटा कैसे मिलेगा, तो ये थीटा मिलने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इस तरीके से हमारा जो ये फिगर बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, और जो हमें हमारा जो नॉर्मल थ्रस्ट यहाँ से पास हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल थ्रस्ट पास हो रहा है, ठीक है, एन टी, और वर्टिकल थ्रस्ट तो इसी लाइन में पास हो रहा है, ये हमारा पास हो रहा है वर्टिकल थ्रस्ट, और यहाँ पर हमारा एच पास हो रहा है इस तरीके से। तो मुझे एंगल कौन सा सही चाहिए, एन टी और एच के बीच का एंगल चाहिए, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं ये टीटा फाइंड आउट कर दूं जो मैंने रेड से मार्क किया है, वो टीटा अगर मैं फाइंड आउट कर पाऊं तो फिर मुझे टीटा मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, देखिए ये डिस्टेंस कितना है हमें मालूम है, अगर हम सेक्शन क्रिएट करते हैं तो फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है वाई, और फिर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है एक्स, ठीक है, वो चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, वर्टिकल डिस्टेंस वाई होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स होता है सेक्शन क्रिएट करने से। तो फिर ये सेक्शन हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो जाएगा मेरा वाई और ये हो जाएगा मेरा एक्स। मैथमेटिक्स में आपने एक चीज पढ़ा होगा, अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स लेते हैं, अगर हमें स्लोप निकालना है इसका तो हम लोग डी वाई बाय डी एक्स लेते हैं, लेकिन ये डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्यों, क्योंकि टेन थीटा कितना होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो फिर ये अपोजिट हो जाएगा वाई और एडजेसेंट हो जाएगा एक्स, इसलिए इक्वल टू टेन थीटा होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करो मुझे नीचे, मैं आपको ये समझा दूंगा, इसका एक छोटा सा एक थियरी पार्ट है वो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो ये समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप होता है डीवाई बाई डी एक्स, एंड डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, क्यों, क्योंकि टेन इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर वाई है, वाई का हमारे पास फॉर्मूला है जो कि है ये वाई का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दो, तो ये टेन थीटा में इस साइड ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, टेन थीटा इस साइड ले लूंगा, और ये डी बाई डी एक्स है, अगर मैं यहाँ पर वाई का पूरा फॉर्मूला डाल दूं तो वाई था हमारा 4h अपॉन एल स्क्वायर, ये है एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट में है एल माइनस एक्स, ठीक है ना, ये है हमारा वाई का फॉर्मूला इस तरीके से। तो चलिए अब इसको डेरिवेटिव ले लो, तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से ये कांस्टेंट है, 4h अपॉन एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, ये एल और एक्स अगर एल इंटू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो बचेगा एल, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, आप देखिए ये एल इंटू, आप देखिए ये एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको ये कैसे आया, इसका डेरिवेटिव लेने का लिए, ये तो कॉन्स्टेंट है हमने बाहर ले लिया, ये एक्स इंटू एल, एक्स इंटू एल उसका डेरिवेटिव हो जाएगा एल, और ये एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो यहाँ पर इतना क्लियर। तो
हमें एल भी मालूम है और एच भी मालूम है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम लोग। 4 × H, H क्या होता है, H होता है इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है, हमारे पास राइट दिया है 5 मीटर, तो 4 × 5 अपॉन L, L क्या होता है इफेक्टिव स्पैन लेंथ, इफेक्टिव स्पैन लेंथ कितना है 24, 24 का स्क्वायर। अब आप ये स्पैन लेंथ मत ले लेना क्योंकि हम लोग थीटा निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग इसका थीटा निकाल रहे हैं, तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ स्पैन लेंथ इस फॉर्मूले में जो एल होता है वो ये कैपिटल एल होता है इफेक्टिव स्पैन लेंथ, तो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन लेंथ है 24, तो इसका 24 स्क्वायर हो जाएगा। वापस यहाँ पर एल है तो यहाँ पर वापस 24 आएगा और -2। अब आपको एक्स चाहिए, एक्स क्या होता है यहाँ पर देखिए, एक्स हमको इस डायग्राम से मिलेगा, एक्स होता है हमारा सेक्शन से लेके सपोर्ट तक का डिस्टेंस जो कि है 5, तो ये × 5 हो जाएगा। क्लियर, इसको सॉल्व करो तो ये 10 थीटा, पहले से ये साइड चलते आ रहा है, 10 थीटा इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो ये बताएगा 4 × 5 अपॉन 24 का स्क्वायर और ब्रैकेट में है 24 -2 × 5 इक्वल्स टू, देखिए इसको वैसे ही रखता हूँ, मैं सीधा थीटा के लिए सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसको थीटा के लिए सॉल्व करूँ तो मुझे इक्वल्स टू के बाद 10 थीटा पुट करना है, 10 थीटा, थीटा की जगह मैं एक्स पुट करूंगा, तो ब्रैकेट क्लोज डालना है मुझे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पर अगर मैं एक्स के लिए सॉल्व करता हूँ तो मुझे थीटा की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर 10 थीटा पहले से ब्रैकेट के पास चलते आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी जो कि है 25.92 डिग्री। मालूम है ना आपको थीटा की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की, देखिए इस फॉर्मूले से पहले 10 थीटा चलते आ रहा है, तो यहाँ पर भी इसके बाद 10 थीटा है, तो यही वैसे का वैसे मैंने कैलकुलेटर में पुट किया, आप देख सकते हैं कैसे पुट किया, 4 × 5 / 24 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 24 -2 × 5 और इक्वल टू के बाद 10x पुट किया, और जब मैं सॉल्व फॉर एक्स करता हूँ तो मुझे वैल्यू आते है इसकी 25.92, ठीक है, डिग्री। यहाँ पर आपको मिल गया इसका टीटा, अब आप तो आपको टीटा मिलता है, देखिए थोड़ा ध्यान से, अब मुझे इस डायग्राम को रीड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे निकालना है नॉर्मल थ्रस्ट और आरएस जो कि है रेडियल शेयर। अगर मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करूँ, देखिए मैं जैसा है वैसी इस एनटी को मैं ऐसे बनाता हूँ और इस आरएस को मैं ऐसे बनाता हूँ परपेंडिकुलर, एनटी और आरएस, ठीक है, ये ब्राउन से मैंने बनाया था एनटी और आरएस इस तरीके से, तो फिर ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, देखिए ये जो 144 है अब ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 144 और ये जो 80 डिग्री है ये यहाँ पर आ जाएगा 80 डिग्री, तो यहाँ पर मुझे एनटी और आरएस निकालना है, लेकिन ये 144 144 144 जो लग रहा है वो एट ए सर्टन एंगल है, तो फिर ये एंगल थीटा हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी एंगल थीटा कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर दो लोड लगेंगे इस तरीके से, एक लोड लगेगा हॉरिजॉन्टल एक लगेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो थीटा थीटा के साथ होता है वो होगा कॉस का टर्म और ये हो जाएगा साइन का टर्म, तो यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में लगेंगे, तो ये थीटा के साथ जो होगा वो होगा कॉस का टर्म और ये हो जाएगा साइन का टर्म, तो चलिए यहाँ से मुझे आर एस मिल जाएगा। अगर मुझे एन टी चाहिए तो एन टी इक्वल्स टू समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो एन टी इक्वल्स टू देख सकते हैं एक ये वाला टर्म देख सकते हैं, ये एन टी इससे आ रहा है इसलिए हम लोग इसको ले लेंगे, ये कितना है 144 कॉस थीटा, 144 कॉस थीटा, थीटा में यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे। एक और यहाँ पर आ रहा है जो कि ये साइन का टर्म है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 80, तो ये भी प्लस 80 साइन थीटा, तो यहाँ से मुझे एन टी मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू खाली पुट करनी है हमें कैलकुलेटर में, तो 144 कॉस थीटा कितना है 25.92 और +80 साइन थीटा की वैल्यू है 25.92 और इक्वल्स टू कहता हूँ, तो यहाँ पर आता है मुझे 164 164
4.48 किलो न्यूटन, ये है मेरा एनटी। अब मुझे चाहिए आर एस, सर से साइन का टर्म पॉजिटिव है जो कि है 144 साइन टीटा, टीटा की वैल्यू हमें बाद में डाल देंगे। आप देखिए ये कॉस का जो टर्म है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, तो माइनस इसका वैल्यू कितना है 80 कॉस थीटा, 80 कॉस थीटा। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तब हमें आर एस की वैल्यू मिल जाएगी 144 साइन थीटा, कितना है हमारा 25.92, और यहाँ पर माइनस 80 कॉस थीटा है 25.92 इक्वल्स टू, देखिए हमें वैल्यू आती है -9.0। लेकिन ध्यान रखना हमेशा कंसिडर रेडियल शेयर एज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है हमें 9 किलो न्यूटन जो कि है हमारा आर एस मतलब रेडियल शेयर। तो देखा ना हमने कैसे कैलकुलेट किया। मैं अगर आपको समझ में आया तो आप ये पार्ट इतना स्किप कर सकते हो, मैं वापस आपको ये पार्ट समझा दूंगा, अगर आपको नहीं देखना तो आप ये पार्ट स्किप कर दो। चलिए नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर में आपको समझाता हूँ वापस। इस डायरेक्शन में जाने वाला होता है नॉर्मल थ्रस्ट और इस डायरेक्शन में जाने वाला होता है शेयर फोर्स, रेडियल शेयर फोर्स। अगर मैं इसको रिड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको रिड्रॉ किया, तो हमारा जो नॉर्मल थ्रस्ट है एनटी इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि है एनटी, और रेडियल शेयर ये ब्राउन में मैंने ड्रॉ किया है वो है एनटी और ये है रेडियल शेयर इस तरीके से। और ये एच जो हमारा लग रहा है 144, ये बाहर की तरफ जाएगा मतलब इस साइड आ रहा है 144। और ये जो वर्टिकल वी हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर में हमारे पास दो लोड लगते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो फिर वर्टिकल 80 ये हमने सॉल्व किया था कैसे, ये आपको मालूम है समेशन एफ आई और एफ एक्स लेके हमने एच और वी की वैल्यू फाइंड आउट की। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमको टीटा की रिक्वायरमेंट है। तो ये टीटा हमने कैसे सॉल्व किया, हमने इसको स्लोप कंसिडर किया, तो स्लोप का इक्वेशन हमें मालूम है डीवाई बाई डी एक्स होता है, और हमें ये भी मालूम है कि डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा होता है क्योंकि टेन इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पर अपोजिट है वाई और एडजेसेंट है एक्स, तो इससे मुझे ये थीटा मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास इस डीवाई अपॉन डी एक्स में इस वाई का एक फॉर्मूला है, इस चैप्टर में हमें गिवन ये वाई का फॉर्मूला है ये वाला, तो ये वाई का फॉर्मूला मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा टेन थीटा डी एक्स डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा y का फॉर्म डिफरेंशिएट करना है, तो ये y का फॉर्मूला मैंने डिफरेंशिएट किया, इसमें ये साइड हमारा कांस्टेंट यहाँ पर आ गया, x इंटू एल का डिफरेंशिएट हो जाएगा l, और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें l और h मालूम है, l क्या होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन जो कि है 24, और h क्या होता है स्मॉल h होता है राइज 5 मीटर, तो यहाँ पर मैंने राइज की वैल्यू डाल दी एच जो कि है 4 × 5, और एल की वैल्यू डाल दी 24 जो कि है 24 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी एल है तो यहाँ पर भी 24 आया, और 2 × x। लेकिन ये एक्स क्या होता है, ये एक्स होता है डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन एंड सपोर्ट, सेक्शन एंड सपोर्ट के बीच का होता है डिस्टेंस एक्स। तो फिर एक्स हमने पुट किया 5, क्वेश्चन में हमें एक्स दिया हुआ है, देखो 5 हमें एक सेक्शन क्वेश्चन में गिवन है जिसका डिस्टेंस है 5, तो यहाँ पर ये फाइव यहाँ पर पुट करके हमने कैल्सियम में आपको दिखाया था टेन थीटा कैसे सॉल्व किया, थीटा की जगह पर एक्स रखा और कैल्सियम में इसको हमने सॉल्व किया, तो हमें थीटा की वैल्यू मिल गई 25.92। अब ये एनटी और ये आरएस, क्योंकि ये देख सकते हैं आप एनटी और आरएस एक सर्टन एंगल पे लग रहे हैं, लेकिन इस एनटी और आरएस को हमें परपेंडिकुलर ले रहा है मतलब एकदम 90 डिग्री में लेना है, तो हमने क्या कर दिया इस एनटी और आरएस को परपेंडिकुलर ले लिया, तो ये एन टी इस डायरेक्शन में आया आर एस इस डायरेक्शन में आया, तो हमारा 144 का लोड ऊपर चला गया और 80 का लोड अंदर आ गया इस तरीके से। अब इस 144 और 80 को हम लोग सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चाहिए होता है, तो हमने थीटा सॉल्व किया था, तो जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस का टर्म होता है और ये दूसरा साइन का टर्म होता है, तो यहाँ पर भी हमने ये थीटा सॉल्व किया था, तो जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस का टर्म और दूसरा साइन का टर्म। अब मुझे एन टी चाहिए, तो एनटी यहाँ पर डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है, अगर आप राइट से लेफ्ट को पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट से राइट को नेगेटिव लेना है, अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना है, बस आपका जो डायरेक्शन है वो अल्टरनेट होना चाहिए, दोनों साइड सेम नहीं होना चाहिए,
राइट से लेफ्ट पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट से राइट नेगेटिव लो, अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड नेगेटिव लो। आर एस देख सकते हैं, आर एस के लिए यहाँ पर दो हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस है, एक है ऊपर जाने वाला 144 sin थीटा, एक है नीचे आने वाला 80 cos थीटा। तो 80 नीचे आ रहा है इसलिए -80 cos थीटा, तो -80 cos थीटा यहाँ पर हमने पुट किया, और 144 ऊपर जा रहा है इसलिए 144 sin थीटा को पॉजिटिव में रखा है। और जो ये आंसर आएगा, ये आंसर तो -9 kN आता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है, वेन एवर वी टेक आंसर ऑफ रेडियल शेयर वी शुड कंसिडर द आंसर एज पॉजिटिव, ठीक है, इस आंसर को पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आओगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करके जाना यहाँ तक आए हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।